हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूँ दैट व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लॉजिस्टिक्स प्लानिंग। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लॉजिस्टिक्स प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि आप चाहें तो हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लान है आपको। लेकिन उसके पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ये जो बेल आइकन है उसे दबा देना है, ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। उसके बाद आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और इग्नू एमकॉम में जाना है। यहाँ पे एक छोटा सा नॉमिनल सा फी आपको पेमेंट करना है, जैसे आप ट्यूशन के लिए फी पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे 1,000 रुपए 2,000 रुपए आपको ट्यूशन फी नहीं देना, यहाँ पे सिर्फ 159 रुपीज आपको पे करना है, जहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिल जाएंगी। आपको असाइनमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपको बस असाइनमेंट्स को लेकर के उतारना है और सबमिट कर देने हैं। आप अगर नोट्स हमसे खरीदते हो तो 40% डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा, जैसा आपको ट्यूशन में मिलता है जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये पेमेंट करने के बाद आपको ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके पेमेंट करना है। उसके बाद ये जो व्हाट्सएप का लिंक आपको दिख रहा है, मोर अबाउट पर्क्स में क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सएप का लिंक आपको शो करेगा। इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको जो हमारा जो एक्सक्लूसिव जो ग्रुप है हमारा, आपको उसे ज्वाइन कर लेना है। ऑलरेडी वहाँ पे 2-3 मेंबर्स हैं जो कि हमारे इसका फायदा उठा रहे हैं, और भी मेंबर्स धीरे धीरे जुड़ेंगे। तो मैं आपको भी इंकरेज करना चाहूंगा कि आप भी हमारे इस प्लान के साथ जुड़े, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होंगे, ठीक है। और जब भी आप स्टडी करें हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू करें, प्लेलिस्ट में आए, यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी वन बाय वन, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर टॉपिक की तरफ चलते हैं हमारा, जो कि है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लॉजिस्टिक्स प्लानिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लॉजिस्टिक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है। देखो, लॉजिस्टिक्स प्लानिंग का मतलब है कि किस तरीके से आप अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर रहे हो बाय टेकिंग इनटू वेरियस फैक्टर्स। जैसे कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर है। तो आप इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप अपना एक लॉजिस्टिक्स प्लानिंग करोगे कि ठीक है, मैं सामान को इस तरीके से यहाँ से वहां तक लेकर के जाऊंगा। कोशिश करोगे कि सामान जो है वो कस्टमर तक जल्दी भी पहुंचे और आपको थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी पड़े। तो इस चीज को लेकर के आपको प्लानिंग करनी पड़ती है बहुत तरह की, राइट। तो ये जो प्लानिंग आप करते हो इसमें लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, और उन्हीं फैक्टर्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो वन ऑफ द मेन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लॉजिस्टिक्स प्लानिंग इज द डिमांड फॉर इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस। तो जो सबसे बड़ा जो एक तरीके का एक जो मेन फैक्टर है जिसके बारे में हमेशा बात की जाती है, वो है सर्विस फैक्टर का, कि आप अपने प्रोडक्ट को कितनी जल्दी से जल्दी बेहतर सर्विस के साथ आप अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। ये अभी के टाइम पे एक मेजर फैक्टर बन गया है। आपका प्रोडक्ट अगर थोड़ा 19-20 है, लेकिन आप अगर सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कर रहे हो तो लोग आपके पास से सामान खरीदेंगे, बिकॉज सर्विस इज समथिंग दैट एवरीबॉडी नीड्स, है ना। तो इसकी आवश्यकता बहुत ही ज्यादा पड़ती है यहाँ पे, वही बात यहाँ पे बोली गई है। इन मेनी इंडस्ट्रीज एंड मेनी कंपनीज प्रोडक्ट क्वालिटी इज बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट बेसिस फॉर कॉम्पिटिशन। तो अगर आपको कॉम्पिटिशन में बने रहना है तो आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट को A1 बनाना पड़ेगा, ताकि जब भी लोग आपके उस प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में सोचें तो उनके मन में आपकी कंपनी का नाम आए कि चलो भाई इस कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो आप खुद को एक डिस्टिंक्ट पहचान आप तभी दे पाओगे जब आप अपने प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे और उसके ऊपर आप ध्यान दोगे। एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी इज क्वांटिटी कस्टमर सर्विस, है ना। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्ट क्वालिटी का, वो ये होता है कि आप अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड करो। इस क्वालिटी इज कस्टमर सर्विस इन मेनी कस्टमर्स, इन फैक्ट मेनी कस्टमर्स आर डिमांडिंग बेटर कस्टमर सर्विस। बहुत सारे कस्टमर जो है डिमांड करते हैं कि उनको बेहतर कस्टमर सर्विस मिलनी चाहिए, चाहे वो बिफोर सेल हो या आफ्टर सेल हो, राइट। ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया फिर आपने उस कस्टमर को पूछा ही नहीं, है ना। तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो देयर आर कंसर्न्ड विद मेनी डायमेंशंस ऑफ कस्टमर सर्विस एंड आर मेजरिंग कस्टमर सर्विस इन मोर सोफिस्टिकेटेड वेज। तो जो मैनेजर्स होते हैं, जो इन चीजों को प्लान करते हैं, वो एक्चुअली अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को लेकर के वो चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे हमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए जिससे कस्टमर सर्विस जो है वो और भी बेहतर हो पाए। एट द सेम टाइम देयर हैज बीन अ
प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इन मेनी कंपनीज, शॉर्टर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स एंड मेनी कॉम्प्लेक्स डिलीवरी पैटर्न्स, दीज इन्फ्लुएंसेस मेक कस्टमर सर्विस इज अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड एन एक्टिविटी फॉर अ कंपनी। तो अभी के टाइम पे बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे आ गए हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही छोटी है, प्रोलिफरेशन जो है वो प्रोडक्ट का ठीक तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये सारे वो फैक्टर्स है जिसके कारण से एक तरीके से लोगों की जो जो भरोसा है वो थोड़ा सा डगमगाने लगा है। कस्टमर्स जो है, कंपनीज जो है, अगर सही तरीके से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हो सकता है कि लोग जो है उनके पास से उस सामान को ना खरीदें, राइट। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर सर्विस को, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो जो सर्विसेज दी जा रही हैं, फिर जो अभी के टाइम पे जो बाइंग है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, राइट। तो ये इस चीज को लेकर एक तरीके से कंपनीज को काम करने की जरूरत यहाँ पे है। Now, in addition to the customer service, physical distribution involves a significant cost element for most companies and can thus have a large impact on company's return on investment and its overall performance. है ना? तो आप जब customer service की बात करते हो, तो वहाँ पे physical जो distribution होता है, वो एक बहुत ही बड़ा important role play करता है। तो physical distribution के case में जो cost element है, वो एक बहुत ही important बड़ा role play करता है। और एक company जो होती है, जितनी ज्यादा बड़ी होती है, उसके return के ऊपर या investment के ऊपर या फिर overall performance के ऊपर इस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नॉट ओनली दैट, द रिलेशनशिप अमंग ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग एंड इन्वेस्टर्स, इन्वेंटरी कॉस्ट इज चेंजिंग, कंपनीज हैव टू एडजस्ट देयर लॉजिस्टिक सिस्टम अकॉर्डिंगली, है ना। इन सब चीजों के ऊपर भी कंपनीज को ध्यान देने की जरूरत है। अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लॉजिस्टिक्स इंक्लूड द नीड टू इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, है ना। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं लॉजिस्टिक्स प्लानिंग को, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे। सबसे पहला आ जाएगा कि आप किस तरीके से अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करोगे। दूसरा है जो प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है शॉर्ट इन पीरियड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो आजकल बहुत ही ज्यादा छोटा होता जा रहा है ना। मोर कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स नेटवर्क एंड डिलीवरी सिस्टम, अभी के टाइम पे जो नेटवर्क सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा डिलीवरी सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। एंड अ चेंज इन इट स्ट्रेंथ and the role of the players in the distribution channel, this is also a major factor जो कि influence करता है logistics planning को, ठीक है ना। तो ये वो सारे पॉइंट है जो मुझे आपके बताने थे। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।